हेलो गाइस, हाउ आर यू? व्हाट्स अप? वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो इट्स 8 इन द मॉर्निंग गाइस, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल गाइस। इट्स द 76th इंडिपेंडेंस डे, और आज का थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। एंड पिछला भी यही था, मैं यही कंफ्यूज हो गया कि यार ये थीम ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने देखा कि 75th वाला भी यही था, 76th वाला भी इन्होंने यही रख रखा है कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। गाइस, हमने 75 ईयर्स ऑफ अपनी इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर लिया, एंड दिस वन इज़ द 76th। सो मैं जा रहा हूँ अपने गवर्नमेंट स्कूल में। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में ना एक फंक्शन कर रखा है इंडिपेंडेंस डे को लेके, तो फिर मैं वहीं पे जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होगी गाइस? रात को है ना, मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगाना भूल गया, मतलब प्लग ऑन करना भूल गया, सॉकेट में लगा के छोड़ दिया। एंड लिटरली मेरा फ़ोन 40% चार्ज है। मैं पापा वाला भी उठा के लेके आया हूँ कि अगर मेरा डैड हो गया ना तो मैं पापा वाला। भाई साहब, मेरे राजमा बाहर आ जाते इतने डरा देते हैं गाइस ये अचानक से आके। सुन ब्रदर, यू आर माय कैमरामैन राइट नाउ, पर्सनल कैमरामैन। मैं कितने घंटा कैमरामैन है, तू मेरा कितने को जानता है? जाऊंगा सच में। कहां पे जाएगा? मामा को जाएगा ना। अच्छा, जब तक है तब तक तो कैमरामैन बनेगा। हां ठीक है ना, है मेरे को शेविंग वगैरह करनी, बाद में कर लियो। तू तेरी कहीं सगाई वाले नहीं आ रखे, अंकल तो हर जगह पहले मिलता है। हेलो, जिमनवार लगी पाओगी तो खड़े को पाएगा। जिमनवार भी लगी हुई है? अच्छा, तभी तभी पहले खड़ा है। सो गाइस, इन्होंने आज का मतलब फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया है। मिस्टर अमित मेरे दादाजी करते हैं, इनसे ही पूछते हैं क्या कुछ हो रहा है। आप भी शामिल हैं? क्या कुछ करवाया है ये बता दे एक बार। 15 अगस्त के ऊपर हमने गांव में जितने भी रिटायर फौजी हैं और जो शहीद हुए थे, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, सबको सम्मान किया और गांव के सभी सम्मानित व्यक्ति दो आदिवासी था चौकी के पास, जो हमारे चौकीदार हैं, और अभी लोग आ रहे हैं। और आप देखिए तो बस मैं तो आ गया, बस यहाँ पे क्या कर रखा है गाइस इन्होंने, यहाँ पे प्रसाद देगा सबको, दोगे बढ़िया लगे रहो। यहाँ पे है ना, हमारे यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होगी लाइक दैट, वहाँ पे लगा दिया, पता नहीं कौन करेंगे, लेट्स गो एंड सी। यहाँ पे असेंबली चल रही है सरकारी स्कूल के बच्चों की। माइक किसको चाहिए? प्रतीक कहाँ पे रह गया? प्रतीक ना आया। क्यों? बस अभी थोड़ी देर में गाइस यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होने वाली है। शायद हमारे गांव के जो आर्मी मैन थे ना, जो रिटायर हो चुके, बूढ़े हो चुके, वो दादाजी वो फ्लैग होस्टिंग करेंगे यहाँ पे। बस अभी 5 मिनट का टाइम रह गया, एग्जैक्ट टाइम होता है ना इनका, उसके बाद यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होगी। 8:58 इसका टाइम फिक्स है पापा जी। हर बार 8:58 को हो गए हो? टाइम हो गया 8:58 क्यों फिक्स करो? गवर्नमेंट जब उस टाइम पर शुरू को एवरीवन हैज गैदर्ड हेयर गाइस, देखो सारे गांव आ चुके हैं, मतलब सारे गांव तो यहाँ आ चुके हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं गांव के। बस 8 मिनट रह चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होगी। यहाँ पे आके है ना, बिल्कुल एक स्कूल वाली वाइफ्स आती हैं, जैसे हम असेंबली में खड़े होते हैं लाइक दैट। सेम इट्स द बेस्ट प्लेस फॉर आवर प्रमोशन। यहाँ पे माइक लेके सबको बोलूँगा, कल है ना ये ब्लॉग है ना यूट्यूब पे आएगा, सब देखना क्या क्या। फिर पिटेगा कौन? पिटेगा देखेंगे। आई एम गोना ट्राई, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं कर ही दूंगा, एक मतलब मैं बता रहा हूँ तेरे को। सर फ्लैग होस्टिंग कीजिए यहाँ पे। पापा जी वहाँ पे खड़े हैं मेरे, एंड यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे हैं, ये प्रिंसिपल सर है ना, इनको लाइन बना रहे हैं। ओनली 7 मिनट्स लेफ्ट गाइस, एवरीवन इज रेडी टू होस्ट दिस फ्लैग। पापा इज़ ऑन द फ्रंट सीट गाइस, बिल्कुल है ना, फ्रंट बेंचर बने हुए हैं। और बैक बेंचर कौन है अपना, मतलब यहाँ पे तो लाइन में खड़े हुए हैं बेसिकली, एक बूढ़े दादा हैं, एंड दिस वन इज़ द फोटोग्राफर आई थिंक। नाउ और फ्लैग गोना फ्लाई इन द स्काई हाई। अभी भी 2 मिनट रहते हैं गाइस। फ्लैग होस्टिंग
has been finished guys and happy independence to you all once again guys. ये कार्यक्रम स्कूल स्तर पर बहुत छोटा सा कार्यक्रम होता है। अब के गांव के कुछ युवाओं ने निवेदन किया कि स्वतंत्रता सेनानी शहीद पूर्व फौजी उन सब का हम सम्मान करना चाहते हैं, तो ये कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत जल्दी में बनी है। संभव है कुछ अव्यवस्थाएँ भी आपको नजर आएं, क्योंकि कार्यक्रम बहुत जल्दी बना है, इसलिए उन सब के लिए विद्यालय की ओर से या उन युवाओं की ओर से हम क्षमा प्रार्थना पहले ही करते हैं। लाल जामुन इसको सीधा पकड़ ले। हेलो, ये तो हिटलर की गलती थी कि उन्होंने एक साथ अमेरिका से भी युद्ध छेड़ दिया, रूस से भी युद्ध छेड़ दिया, जिससे हार होना निश्चित थी। एक मोर्चे पे नहीं, सभी मोर्चों पे उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया, इसलिए वो हार हुई। और 15 अगस्त 1947 को उन्हीं के प्रयासों से, जब अंग्रेजों ने ये देखा कि यहाँ पर हमारा शासन अब हम नहीं कर सकते, यहाँ पर उन्होंने यहाँ की लोगों की जो क्रांतिकारी आवाजें देखी, बुलंद आवाजें देखी, उसी को देखकर उन्होंने निर्णय कर लिया था कि अब हम शांतिपूर्वक किसी भी तरीके से इस शासन की बागडोर को यहाँ के लोगों को सौंप दें। और उन्होंने उस पर कार्य करना शुरू किया। लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर इसीलिए भेजे गए थे कि किसी भी तरीके से वहाँ पर हम इज्जत से आ जाएं, अपने देश लौट आएं। और उसी के तहत ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। उसमें जिन लोगों का बलिदान रहा, आज हम उनको याद करते हैं, हमें उनके बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। तो हमें आगे भी अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए अपना प्रयास, अपना योगदान इस देश की माटी के लिए, अपनी भावनाएं निरंतर बनाए रखनी है, तभी हम इस खुली आज़ादी की हवा में सांस ले सकेंगे। जब तक हम उन वीरों के बलिदानों को नहीं भूलेंगे, तो हमें यह आज़ादी कैसे मिली, यह एहसास हमारे जीवन में बना रहेगा। अगर हम उनकी यादों को भुला देंगे तो हमारा स्वतंत्र रहना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे गाइस जो शहीद हो गए थे उनकी फैमिली वालों को सम्मानित किया जा रहा है, मतलब किया जा रहा है। जो भी बंदे यहाँ पे पीछे बैठे हैं ना, वो सारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं गाइस हमारे गांव के, एंड इनके फैमिली मेंबर्स शहीद हो गए थे तो उनको सम्मानित किया जाएगा। मेरे दादाजी का भी नाम आ चुका है, बस आ रहे हैं अभी, हम स्टेज पे चढ़ेंगे, आगे आगे बस चलो। तो दोस्त तालियां बजते हैं, तालियों में कोताही ना बजते, तो इनके समान तालियां। क्योंकि और अच्छी बात यह है, इनका तहसील में रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी हम लोग जैसे तैसे करके हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया, वो सुबह ही अच्छे। देखो स्टेज पे चिढ़ गया है आप। हमारे बीच में अभी अभी उठा हूँ गाइस, एंड मैं आज 23 हो गया था, बिकॉज मेरे ने काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रखा था। आया आने के बाद घर पे लैपटॉप में एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था मैंने और नीरज ने मिलके, बट हमें लिटरली कुछ भी समझ नहीं आया। उसकी विंडो खुली, ओ भाई साहब क्या है ये वीडियो, तो छोटी सी, इतनी ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन, ऊपर ऑप्शन, साइड में ऑप्शन,
लिटरली गाइस दिमाग ख़राब हो गया। फिर उसको समझने का ट्राई किया, कुछ भी समझ नहीं आया। फिर मुश्किल से एक छोटी सी वीडियो क्लिप एडिट की, देन उसके बाद पता चला कि ये भी सब्सक्रिप्शन लेगा और वो तो डॉलर्स में लेगा, 720 रुपए लगेंगे उसके तो पर मंथ। मैं कि भाई साहब बड़ा महंगा है, इतना दम नहीं हमारा, हम इसको अफोर्ड कर सके? काइन मास्टर कोई बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं। तो अभी जाके मेरा हेडेक वगैरह भी ठीक हुआ है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सर दर्द करने लग गया था मेरा, अब मैं ठीक हूँ। मेरे को अभी एडिटिंग बीच में छोड़नी पड़ेगी गाइस, बिकॉज पापा वाले फ़ोन में शूट किया था, आधा कंटेंट वहाँ पे था, मैंने सब कुछ शेयर कर लिया था अपने फ़ोन में, बट फिर भी पता नहीं एक दो वीडियो क्लिप कैसे रहेगी पापा वाले फ़ोन में। फिर पापा के पास फ़ोन किया कि मेरे पास सेंड करो, तो पापा के पास नेट ही नहीं है, कि आज तो तुमने सारा ख़त्म कर दिया। मैं कि ठीक है कोई बात नहीं, 12 बजे के बाद मेरे पास सेंड कर देना, मैं सुबह जल्दी उठ के ना उस एडिटिंग को कंप्लीट कर दूंगा, बिकॉज गाइस मेरे को कल सुबह 7 बजे पक्का भेजने, बिकॉज मैंने सबको बता दिया कि कल 7 बजे आएगा गाँव के ग्रुप वगैरह पर भी मैसेजेस कि 7 बजे आएगा पक्का आएगा। सो आई हैड टू अपलोड इट ऑन एग्जैक्टली एट 7 AM। अभी मैं सो जाता हूँ, सुबह उठ के कर लेंगे काम। ठीक, वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल गाइज एंड गुड नाइट। मैंने इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय।